भोपाल में नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने ISBT नगर निगम दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी ISBT दफ्तर पहुंचे और अपनी 5 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग रखी। इस दौरान निगम कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारी अपने हाथों में तख्तियां लेकर भी पहुंचे थे। कर्मचारियों ने अपर आयुक्त पद मीणा को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा और जल्द पूरी करने की मांग रखी है। अगर चिंता होती तो इतने वर्षों नहीं निकलते। मेरे ख्याल से नगर निगम में 18 से 20 साल होगा 25 दिवसीय कर्मचारियों को। 6,000 तो जाके आप तनख्वाह हुई है, जो हर साल 100-200 रुपये बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारी, नियमित कर्मचारी है, उसकी तो हजारों में तनख्वाह बढ़ती है। इनकी बिचारों की जो 25 दिवसीय कर्मचारियों के नाम पे जो भोपाल को, पूरे दुनिया को, जो नगर निगम का हमारा कर्मचारी साफ सुथरा रखता है, शहर को साफ सुथरा रखता है, बड़ी जिम्मेदारी का काम करता है, उसकी तनख्वाह जो साल में बढ़ती है वो कलेक्टर रेट पे बढ़ती है 100 और 200 रुपये, मैक्सिमम 100 और 200 रुपये। लेकिन नगर निगम सिर्फ काम ले रहा है। मेरे ख्याल से नगर निगम इसलिए नहीं करवाना चाहता है उन्हें रेगुलर, या उनका भला इसलिए नहीं करवाना चाहता है कि दैनिक वेतन भोगी पे रहो, भाई गुलामी करवाते रहो,